नमस्कार, सिंपल होम कुकिंग विद वंदना उमेश में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। बैटर मैंने आपको अपलोड कर दिया था वीडियो में अपने चैनल पे। आज हम सबसे पहले इडली का प्रिपरेशन करेंगे। इडली के लिए मुझे इडली के बर्तन में थोड़ा सा घी लगाना होगा ताकि वो चिपके नहीं। घी या तेल कुछ भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार से सब बर्तन में आप लगा लीजिए और इस प्रकार से इसे मिक्स करके फैला दीजिए पूरा। इसको बैटर को आप जब बनाते हैं तो इसको पूरा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ आप इस प्रकार से ऐसे ले करके डालते जाइए। इससे क्या होगा कि एक जालीपन आएगा इडली में, जो उससे काफ़ी सॉफ्ट लगेगा और काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। अगर मिक्स कर देंगे तो उतना सॉफ्टनेस नहीं आएगा। इस प्रकार से आप डालते जाइए। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनता है, ये खाने में भी बहुत हल्का होता है, स्टीम से पका होता है, इसलिए एक ही बैटर से हम उत्तपम, डोसा, इडली सब कुछ बना सकते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है। कुकर में हमें पानी 2 गिलास डालना है। ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम कुकर के अंदर डालेंगे। इसको आप रेडी कर लिया है, कुकर के अंदर आप डालेंगे और इसको ढक देंगे। लेकिन इसमें वेट नहीं डालना है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें वेट नहीं डालना है। वेट को छोड़ दीजिए और इसको कम से कम 10 मिनट हम रखेंगे। 10 मिनट के बाद खोल के देखेंगे, पक गया है जाएगा तो हटा देंगे। मेरा इडली पकते हुए 12 मिनट हो गया है। अब गैस को ऑफ करते हैं तो देखते हैं निकाल के हुआ है कि नहीं। ये पूरा भाप जब निकल जाए उसके बाद आप खोलिएगा, उसके पहले ही नहीं खोलिएगा। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हुआ है, इस प्रकार से देख लीजिए चिपक नहीं रहा है। इसको निकालने के बाद आप थोड़ा देर छोड़ दीजिए, अपने आप इडली नीचे से छोड़ देगा, फिर आप निकालिए इसे। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है इडली को। ठंडा होने के बाद मैंने निकाला था, देखिए बिल्कुल अच्छा से निकल गया है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसमें देख रहे हैं ये लेयर इस प्रकार से आ रहा है जाली जैसा, इसका मतलब ये बहुत सॉफ्ट बना है। देखिए सांभर और चटनी के साथ इडली का बहुत अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। ये मैंने सांभर और चटनी को मैंने लोड किया अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं उसमें कैसे बनता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप दें, बेल आइकन को दबाएं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।